नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। अभी अभी खबरों का रुख कर लेते हैं। गुजरात में पहली बार कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट के 6 मामले सामने आए हैं। शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इसकी जानकारी दी। विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 3 मामले जामनगर में, 2 पंचमहल जिले के गोधरा में और 1 मामला मेहसाणा जिले में सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मई में न्यू म्यूटेंट को कप्पा नाम दिया था। विभाग ने बताया था कि इस साल मार्च और जून के बीच कोविड-19 से संक्रमित इन रोगियों के नमूनों की जीनोम सिक्वेंसिंग से पता चला है कि नए वेरिएंट से संक्रमित हैं। बयान में बताया गया है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक कप्पा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है या कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न। विभाग ने इन रोगियों के संपर्क में आए लोगों का भी पता लगाया है। इनसे कहा कि अभी तक उनके किसी भी संपर्क में कोविड-19 के लक्षण नहीं पाए गए हैं। साथ ही जिन इलाकों में ये मामले सामने आए हैं वहां स्वास्थ्य विभाग ने गहन निगरानी भी की है। तो बता दें कप्पा वेरिएंट के 6 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी जो है वो बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कप्पा वेरिएंट के 6 मामले गुजरात में सामने आए हैं। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना ने डबल्स मुकाबला गवा दिया है। इसी के साथ ही भारत की वुमेन डबल्स में मेडल जीतने की संभावना अब खत्म हो गई है। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी पहले राउंड का मुकाबला गवा कर ही बाहर हो गई थी। सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी ने पहला सेट 6-0 से जीत लिया था, लेकिन यूक्रेन की नादिया और दूसरी खिलाड़ी की जोड़ी ने शानदार वापसी करते हुए अगले 2 सेट जीत लिए और भारतीय जोड़ी का सफर खत्म कर दिया। तो बता दें लगातार टोक्यो में हो रहे ओलंपिक में पीवी सिंधु का जीत के साथ आगाज हुआ है, जबकि मेडल की ओर बढ़ाया एक कदम। साथ ही सानिया मिर्जा ने मौका जो है वो गवा दिया है। देश में शनिवार को कोरोना के 44,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। साथ ही इस दौरान 44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, जबकि 541 लोगों की संक्रमण की वजह से जान चली गई है। इसी तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 300 की कमी रिकॉर्ड की गई है। वहीं केरल की बात करें तो वहां हालात दिन ब दिन बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटे में 18,000 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये आंकड़ा पिछले 51 दिनों में सबसे ज्यादा है। इससे पहले 3 जून की बात करें तो वहां 18,000 संक्रमितों की पहचान भी हुई थी। तो बता दें लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में लगातार 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं शनिवार को। साथ ही साथ 44,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात भी दी है, लेकिन संक्रमितों की जो जान गई है कोरोना की वजह से वो 541 लोग हैं, जिन्होंने बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से जान गंवा दी है। राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को आज गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना भी जताई है। IMD ने दिल्ली में 26 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है और आसमान में बादल छाए रहने और धीमी स्तर की बारिश या गरज के साथ बारिश होने के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान भी जताया है। वहीं 27 जुलाई के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। राजधानी में शनिवार को बता दें अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो मौसम के औसत तापमान से 1 डिग्री ज्यादा है। वहीं भारत मौसम विज्ञान विभाग ने के अधिकारियों के मुताबिक न्यूनतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो साल के इस समय के मौसम के लिए सामान्य है।
कर्नाटक में कम होते कोरोना वायरस महामारी के मामलों के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक बार फिर से कर्नाटक सरकार प्रतिबंधों में और ज्यादा ढील देते हुए आज से मनोरंजन पार्क और ऐसे कई स्थलों को फिर से खोलने और धार्मिक स्थलों को पर धार्मिक गतिविधियों को बहाल करने की अनुमति दे रही है। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव एन मंजुनाथ प्रसाद की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि मनोरंजन पार्क और ऐसे कई स्थलों को कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने के साथ ही फिर से खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से ऐसे दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। साथ ही आदेश में कहा गया है कि जल क्रीड़ा पानी से संबंधित मनोरंजन के स्थलों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। इसके अलावा कोरोना नियमों के सख्त अनुपालन के साथ ही 25 जुलाई से मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे और बाकी धार्मिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों की इजाजत दे दी गई है। तो बता दें कर्नाटक में जैसे जैसे कोरोना के मामले कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे सरकार की तरफ से छूट जो है ढील तमाम प्रतिबंधों में दी जा रही है और अब से मनोरंजन पार्क और सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। महाराष्ट्र के पुणे और कोकण संभाग में पिछले 3 दिन से भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन के चलते मरने वालों की संख्या बढ़कर 112 पहुंच गई है। मृतकों में सबसे ज्यादा रायगढ़ जिले के 52 लोग शामिल हैं। राज्य में कम से कम 1,35,313 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचा दिया गया है, जिनमें पश्चिमी महाराष्ट्र के सांगली जिले के बता दें 70,000 से ज्यादा और कोल्हापुर जिले में 44,000 से ज्यादा लोग शामिल हैं। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि महाराष्ट्र में बारिश भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों के जेई मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने का एक और मौका मिलेगा। तो बता दें लगातार महाराष्ट्र में हो रही बारिश और भूस्खलन की वजह से अब तक 112 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,00,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। लगातार बाढ़ और भूस्खलन की वजह से तमाम हादसे महाराष्ट्र के कई जिलों में देखने के लिए मिल रहे हैं। कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जहां पर लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और अब जानकारी दी गई है कि अब तक बाढ़ और भूस्खलन की वजह से 112 लोगों की जान जा चुकी है। पत्रकार गौरी लंकेश की साल 2017 में हत्या के एक प्रमुख आरोपी की जमानत याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अप्रैल में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने आरोपी के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण एक्ट 2000 के तहत लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया था। 50 वर्षीय आरोपी मोहन नायक ने कथित तौर पर हत्या को अंजाम देने में एक दक्षिण पंथी क्राइम सिंडिकेट को लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया था। नायक ने 22 अप्रैल के हाईकोर्ट के आदेश और मामले में SIT की तरफ से आरोप पत्र दाखिल करने में कथित को आधार बनाकर कई मामलों में जमानत मांगी थी। तो बता दें हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। आरोपी की तरफ से मांग की गई थी, जमानत याचिका दर्ज की गई थी, जिसको हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कांग्रेस की पंजाब इकाई का विवाद सुलझने के बाद अब राजस्थान की बारी है। जी हां, यहां पार्टी के अंदर लंबे समय से चल रहे टकराव को खत्म करने की कवायद तेज हो गई है। इसी कवायद के तहत पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और प्रदेश प्रभारी अजय माकन शनिवार रात जयपुर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो अगले सप्ताह अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है, हजारों की संख्या में राजनीतिक नियुक्तियां शुरू हो सकती हैं। इन दोनों नेताओं का दौरा इसी से जुड़ा हुआ है और पार्टी से जुड़े सूत्रों ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल और विस्तार की अटकलों के बीच कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेता राजस्थान पहुंचे हैं। वेणुगोपाल और माकन जयपुर में गहलोत और पायलट गुट दोनों से बातचीत करके मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को जल्द पूरा करने के फैसले पर मोहर लगा सकते हैं। तो बता दें अब राजस्थान कांग्रेस में भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने की चर्चा जो है वो काफी तेज हो गई है। पिछले लंबे समय से पार्टी में जो मनमुटाव नेताओं में चल रहा था वो अब सुलझ जाएगा आने वाले समय में और जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार जो है कांग्रेस में राजस्थान में हो जाएगा।
पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें गैर कानूनी तरीके से ऐप्स पर अपलोड करने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा पुलिस हिरासत में हैं। उनसे जुड़े खुलासे हर रोज सामने हो रहे हैं। हाल ही में मुंबई पुलिस ने बताया कि क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफी मामले के सिलसिले में तलाशी के दौरान राज कुंद्रा के अंधेरी स्थित वियान और जेएल स्ट्रीम ऑफिस से खुफिया अलमारी मिली है। क्राइम ब्रांच लगातार इस केस की जांच कर रही है और नई नई बातें सामने आ रही है। बता दें, मुंबई पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि राज कुंद्रा के व्हाट्सएप चैट में उन्हें उस डील के बारे में भी पता चला था जहां राज कुंद्रा 9 करोड़ रुपए के लिए वीडियोस बेचने की बात कर रहे थे। पुलिस का मानना है कि इसके तार अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़े हो सकते हैं। तो बता दें, राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी के पति बीती 20 जुलाई से पुलिस हिरासत में है क्राइम ब्रांच की। हालांकि अब रोज जब पूछताछ हो रही है, तलाशी ली जा रही है, तो पुलिस के सामने हर रोज कहीं खुलासे हो रहे हैं। और ऐसे में जब उनके घर पर तलाशी ली गई तो पुलिस के मुताबिक उनके घर पर एक अलमीरा भी बरामद की है पुलिस ने, जिसको अब खोलेंगे तो उसके में क्या कुछ पुलिस के सामने आएगा वो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा। हालांकि आए दिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है और पूछताछ की जा रही है, वैसे वैसे इस पूरे मामले में कई खुलासे होते नजर आ रहे हैं। वहीं क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि इस पूरे रैकेट का जो तार है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जुड़ा हो सकता है। महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। वहीं गुजरात के अलग अलग शहरों में भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसी बीच प्रदर्शन के दौरान बीजेपी पार्टियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई, साथ ही विरोध करने के कारण पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। तो बता दें, लगातार आम आदमी पार्टी या तमाम विपक्षी पार्टियां बीजेपी के खिलाफ बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी को लेकर हर रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने भी विरोध प्रदर्शन किया बीजेपी के खिलाफ। लेकिन उसके बाद मौके पर जो पुलिस थी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, और लगातार पुलिस उन्हें हटाने की जद्दोजहद कर रही है। हालांकि महिलाएं भी इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद थी और उनके लिए महिला पुलिस भी वहां पर पहुंची थी और वहां से उन्हें धरना स्थल से हटाने की लगातार कोशिश की गई। हरदोई के शहाबाद कोतवाली क्षेत्र में नवविवाहिता की बंदूक के साथ सेल्फी लेते समय गोली लग जाने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और वहीं मृतका के पति राकेश कुमार ने मृतका के पति आकाश और उसके ससुर राजेश और सास पूनम और जेठ उमंग के खिलाफ दहेज में 2 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और गोली मार कर हत्या करने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। साथ ही पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें, हरदोई का यह पूरा मामला है जहां पर बंदूक के साथ नवविवाहिता सेल्फी ले रही थी और उसी दौरान हादसा हो गया और गोली लग जाने की वजह से नवविवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद नवविवाहिता के पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है और दहेज मांगने का आरोप लगा दिया है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। कस्बा शाहबाद में एक पति पत्नी के द्वारा कथित रूप से सेल्फी लेते समय गोली चल जाने की घटना तब एक तथ्य वायरल हुआ था, जिसमें महिला की डेथ हुई थी। महिला के परिजनों ने उसमें दहेज मृत्यु में अभियोग पंजीकृत कराने के लिए तहरीर दी गई थी और उस पर अभियोग पंजीकृत भी कराए गए हैं। लेकिन हम लोगों द्वारा सभी तथ्यों पर छानबीन की जा रही है, उनके मोबाइल बरामद हुए हैं, फोरेंसिक टीम द्वारा हमें कई तथ्य समझ में आए हैं। इसके अलावा जो असलहा है वो भी बरामद किया गया है। सभी तथ्यों छानबीन कर न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी। मतलब प्रताड़ित करत रहे हैं, 2 लाख रुपये मांग के रहे हैं और उन्होंने नैनीताल घुमाए लाइव के बाद भी लाइव के गोली मार दी। 23/13/5/2021 की यहाँ शादी हुई थी, 2 महीने हो गए, 2 महीने कुछ दिन आकाश हो गए, पैसे की मांग कर रहे थे, 2 लाख रुपये चाहिए, दहेज मांगो।
जान चली गई थी, जिसके बाद पिता ने ससुराल वालों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक गन्ने के खेत में एक विशालकाय अजगर निकल आया, जिसकी जानकारी मिलने पर आनन फानन में मामले की सूचना वन विभाग को दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में जाकर उसे छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार ताजा मामला लखीमपुर खीरी जिले के इंडो नेपाल के तराई में मौजूद दुदवा टाइगर रिजर्व के संपूर्ण नगर वन रेंज क्षेत्र का हजरतगंज सिंह के नाम फार्म हाउस के पीछे गन्ने के खेत में दुदवा के जंगलों से निकलकर एक विशालकाय अजगर पहुंच गया। वहीं ग्रामीणों की नजर जब अजगर पर पड़ी तो वहां हड़कंप मच गया। वहीं किसान छिंदा ने खेत में अजगर होने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी। सूचना मिलते ही वन कर्मी अपनी टीम को लेकर खेत पर पहुंचे, जहां करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू कर उसे जंगल में ही जाकर छोड़ दिया गया। तो बता दें लखीमपुर खीरी का ये पूरा मामला है, जहां पर गन्ने के खेत में एक विशालकाय अजगर निकला, जिसकी जानकारी वन विभाग को दी गई। वन विभाग जब मौके पर पहुंचा तो उसे ले जाकर उसका रेस्क्यू कर छोड़ दिया गया। महराजगंज जिले के गुगली थाना क्षेत्र में पैसा निकालकर घर जा रहे एक व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम देने वाले दो वांछित अभियुक्तों को गुगली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बता दें हरदोई का यह पूरा मामला है, जहां पर पैसा निकालकर व्यक्ति अपने घर जा रहा था। महराजगंज का पूरा मामला है और गुगली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर पैसा निकालकर घर जा रहे एक व्यक्ति से लूट की घटना को इन दोनों अभियुक्तों ने अंजाम दिया था। वहीं जिसके बाद जब पुलिस में इस पूरे मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। साथ ही इनके पास से लूटे हुए रुपए भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। महराजगंज का ये पूरा मामला है गुगली थाना क्षेत्र का, जहां पर एसपी ने खुलासा किया है एक व्यक्ति बैंक से पैसे निकाल कर अपने घर जा रहा था, तब इन दोनों अभियुक्तों ने युवक से पैसे लूट लिए थे, जिसके बाद युवक ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी और अब पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना गुगली पुलिस एवं एसओजी की टीम द्वारा मुठभेड़ के बाद दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, राजू खलवार और दिलीप कुशवाहा। ये दोनों कुशीनगर के रहने वाले हैं और ये शातिर ठप्पेबाज ठग और लुटेरे हैं। इनकी कार्यप्रणाली ये है कि ये बैंक में जाके लगते हैं और वहां पे कोई बुजुर्ग आदमी को टारगेट करते हैं, उसका मोबाइल नंबर किसी बहाने से ले लेते हैं। जब वो पैसा निकाल के बाहर जाता है तो उसको फोन करते हैं कि मैं बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ, आप निश्चित पैसे से ज्यादा पैसा निकाल के ले गए हैं, जहाँ आए आप वहीं रुक जाइए। आदेश पर पेट्रोल पंप की अचानक चेकिंग की गई। एडीएम सिटी अजय तिवारी और एसीएम ने चेकिंग का अभियान चलाया। बता दें ये चेकिंग चार टीम गठित कर अलग अलग इलाके के पेट्रोल पंपों पर की गई। साथ ही वहीं एडीएम सिटी अजय तिवारी ने बताया कि रैंडम जांच की गई थी। तो बता दें मेरठ का ये पूरा मामला है, जहां पर पेट्रोल पंपों की अचानक से चेकिंग की गई। हालांकि चेकिंग के दौरान कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो पुलिस जिसके बारे में बता सके, लेकिन पेट्रोल पंप की अचानक चेकिंग की गई और साथ ही साथ बताया गया अजय तिवारी ने चेकिंग अभियान चलाया था, जहां पर अलग अलग पेट्रोल पंप पर जाकर चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं सहारनपुर को एक बार फिर से शरारती तत्वों ने जातीय संघर्ष में झोंकने की साजिश की है, लेकिन पुलिस ने इस मामले में पहले की तरह कोई भी लापरवाही न बरतते हुए साजिश रचने वाले 6 आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। दरअसल सहारनपुर के बंडगांव इलाके में शिमलाना गांव के रहने वाले दलित युवक रजत की ठाकुर समुदाय के युवकों ने दाढ़ी मूछ कटवा डाली और वीडियो इतना बना दिया और साथ ही वीडियो बनाकर वायरल
कर दिया। वहीं माहौल खराब करने के लिए ठाकुर समुदाय के युवकों ने वीडियो को भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। दलित युवक की दाढ़ी मूछ कटवाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कुछ दलित संगठनों ने इसको मुद्दा बनाकर राजनीति शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए रजत की तहरीर के आधार पर ठाकुर समुदाय के 5 युवकों और दाढ़ी मूछ काटने वाले नाई के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना बड़गांव क्षेत्र में गांव पड़ता है शिमलाना, और वहाँ पर एक वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो वायरल में के बाद जो व्यक्ति उसमें दिखाई दे रहा था उसने आकर लिखित तहरीर दी थाने पर कि शिमलाना गांव के ही कुछ लड़कों ने उसके साथ बदतमीजी करी, उसके मूछ और उसके बाल कटवा दिए और उसके साथ मारपीट करी, जिस पर कि हमने अभियोग पंजीकृत करा दिया है और इसमें आगे कार्रवाई करना है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।